नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। आज मैं बेगूसराय में हूँ और बेगूसराय में एक पुल बना हुआ है और ये पुल बेगूसराय के मुंगेल सड़क पुल का उद्घाटन होने के बाद लोगों में काफ़ी खुशी था। और ये पुल का उद्घाटन जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने ऑनलाइन के माध्यम से किया था। और ये पुल की जो लंबाई है 3.5 किलोमीटर की लगभग है, लेकिन इस पुल के साइड में आप लोगों को दोनों साइड दिखेंगे कि बहुत सारे गिट्टी है, कचरा है, जिसकी वजह से सड़क हादसा होता है। इसको रोकने के लिए नितिन गडकरी जो है हमारे देश के परिवहन मंत्री, वो काफ़ी नए नए कदम उठा रहे हैं। लेकिन साइड में आप देख सकते हैं दोनों, यहाँ से पूरा पुल जो है साइड में आपको दिखेंगे कि यहाँ से वहाँ तक कचरा है, बालू पड़ा हुआ है। और सही पुल का जो है सही से मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से सड़क हादसा होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि पूरी दुनिया में जितना एक्सीडेंट होता है उनका 11% एक्सीडेंट हिंदुस्तान में होता है, जबकि 1% गाड़ी हिंदुस्तान में है। पूरी दुनिया में जितना गाड़ी है उनका 1% गाड़ी हिंदुस्तान में है, फिर भी ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे हिंदुस्तान में ही हो जाता है। और इनका उद्घाटन जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ही किया था। तो दिखा सकते हैं, आप दिखाइए नास्त्री जी की पुल का जो स्थिति तो अभी बेहतर है, लेकिन रोडों के साइड में जो है दोनों साइड काफ़ी गंदगी रहने की वजह से सड़क हादसा का शिकार होगा। और दोनों साइड में पूरा काफ़ी गंदा है और इनको सही से अगर नहीं किया जाएगा सही ठीक तो सड़क हादसा हो जाएगा, जिससे लोगों को परेशानियाँ होगा, किसी अपने परिवार को खो देंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 2,800 करोड़ के लागत से 19 साल में ये पुल बनकर तैयार हुआ था। और इस दोनों साइड में जो गंदगी है, मैं चाहूँगा कि जो भी यहाँ के प्रतिनिधि है उनको तुरंत साफ कर दिया जाए, नहीं तो ये। और ये पुल जो है, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, ये पुल देश का तीसरा सबसे लंबा पुल है और बिहार का दूसरा सबसे लंबा पुल है। और ये 3.5 किलोमीटर का पुल है। हमें साइड में जो है गंदगी, इसको साफ कर दिया जाए, कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तो यही चीज़ें मैं आपको जहां जा रहा हूं तो अच्छाई चीज़ को भी दिखाता हूं और जो गलत चीज़ है उनको भी दिखाने का प्रयास करता हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन राकेश कुमार, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।